तो ये काम करता है ये। 40 रुपया किलो, 40 रुपया किलो। अभी तक क्यों नहीं आया? हेलो हेलो, मेरा इंतजार मत करना, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, बिजी हूँ थोड़ा। मैं तुम्हारा वेट करूं? मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। ओह, घर पहुंच गई तुम? अपने राइट में मुड़ो। अरे यार। कौन इंतजार कर रहा है मेरा यहाँ पे? क्या कमाल की एक्टिंग करती हो तुम टीचर, बोले तो एकदम मस्त। अरे वाह, तुम्हारे साथ कॉफी थोड़ी ना मिस करूंगा। ओके ठीक है, आज तुम आगे चलो। नो, अब साथ में चलेंगे। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ ये बताओ, तुम्हें मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? एलन सोली का बिल था ना, उसी बिल पर से मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिला। ओह, सुंदर लड़की को नहीं छोड़ना चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी तरह एवरेज लड़की भी चलेगी मुझे। एक्चुअली क्या है जानते हो, मेरे सारे दोस्त अपनी लाइफ बिंदास एंजॉय करते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह अपनी लाइफ बिंदास एंजॉय करना चाहती हूँ। पर सच बताऊँ तो मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिस किया वो सब तुम्हें देखती हूँ। तो इस वजह से तुम क्यों मुंह फुला के बैठी हो हुप करके? बचपन में जब मैं स्कूल जाती थी तो पिताजी को बाय कहती थी, लेकिन कुछ समय बाद ही पिताजी हमेशा के लिए बाय कह के चले गए। उसके बाद माँ मेरे पास थी पर वो इतनी होशियार नहीं थी, सो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही संभालनी पड़ी। ये लो आप लोगों की कॉफी। इसलिए मैंने अपनी लाइफ छोड़कर दूसरों को कंट्रोल करना सीख लिया। टीचर को थोड़ा मैच्योर दिखना पड़ता है ना, देखो मैं साड़ी में मैच्योर दिखती हूँ ना, इसलिए हमेशा साड़ी पहनती हूँ। वैसे साड़ी में तुम मस्त लग। ओ, ऐसी बात है। अच्छा आज तुम्हारा दिन कैसा था? अरे बहुत बिजी था, आज का शेड्यूल तो लॉट ऑफ ऑक्शंस, बिडिंग्स, डीलिंग्स, बहुत बिजी था। तुम नहीं? अच्छा परमी, आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो गई है ना, सो किसानों को ज्यादा पैसे मिलते होंगे? ऐसा नहीं है मैडम, किसानों को कुछ नहीं मिलता, वो मीडिएटर से सब ले लेते हैं। ओह, ये सब तुम्हें कैसे पता? इट इज जनरल मार्केट नॉलेज, इकोनॉमी की जानकारी नहीं है तुम्हें? हाँ ये सब मुझे नहीं पता, और वैसे भी मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, कितने भी कोशिश कर लूँ आजकल ताजी सब्जियाँ मिलती ही नहीं है। परमी को परमिशन दो, परमी ला देगा ना। ऐसी बात है? हाँ। पर कैसे? तरकारी सहकारी निगम महामंडल है ना, वहाँ मेरी जान पहचान है। ओ लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने देखी है। क्या? आज सुबह सुबह मैं मार्केट गई थी। इसको सब पता चल गया, बनी बनाई इज्जत सारी मिट्टी में मिल गई। हाँ हाँ तुम बिल्कुल ऐसा ही सोचो, पर मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। Hey, you saying really real? It's okay, it's okay. वो क्या कहा था तुमने? Bettings, drillings, auction, like IPL, you know? ज्यादा आगे मत जाओ। तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं तो? हम दोनों छोटा कश्मीर चलते हैं, वहाँ अच्छा लगेगा। छोटा कश्मीर कहाँ है? छोटा कश्मीर नहीं जानते? मैं मुंबई से बाहर नहीं गया हूँ। तो पहले तुम मुंबई अच्छी तरह देख लो, उसके बाद बटरफ्लाई पार्क, म्यूजियम, एक्वेरियम, ये मेरी फेवरेट प्लेसेस हैं। तुम नहीं गए क्या? ए परमी। मेरी फ्रेंड है। नमस्ते। वाह, दोस्त है। ये मंडी के ओनर है। ओनर है। तुम्हें फिल्म कैसी लगी? मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हें कैसी लगी? बोरिंग। मैं जाके पॉपकॉर्न लाता हूँ। तुम्हें क्या क्या चाहिए मुझे बोलना, बस मैं तुमको सब दिलवाऊंगा।
एक पॉपकॉर्न और एक कॉफी और ले लूं? हाँ ले लो, जो चाहिए। तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब है कहा था, और बाहर मंडी के ओनर है आज तो। मैं टीचर हूँ इसलिए एक बात बताती हूँ, लाइफ में कभी भी झूठ नहीं कहना, चोरी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया ना तो एक पॉइंट पे आके लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। माय गॉड, क्या हुआ? पॉपकॉर्न नहीं लाए? स्कूल के बच्चे क्लास बंक करके फिल्म देखने आए हैं। मेरी माँ की तबीयत खराब है, ये झूठ कह के मैं यहाँ आई हूँ। मुझे किसी टीचर ने एक बात कही थी, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक पॉइंट पे हमारे साथ भी धोखा हो जाता है। इतनी जल्दी धोखा होता ये नहीं पता। पिक्चर शुरू हो गई। I want that. अरे उसके बाद ये भी। नाइस पैर, ऑल द बेस्ट प्रोड्यूसर। भगवान, आज प्यार का इजहार कर दूं क्या? अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल लोगे ना? लेकिन थोड़ी संभाल के बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे घर में दीपावली मनाते हैं? संक्रांति? हाँ मनाते हैं। दशहरा? नहीं, क्रिसमस, रमजान, बकरीद ये सब मनाते हैं। और नहीं तो क्या? तुम घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो? जो भी पूछना है डायरेक्ट पूछो ना। तुम्हारे घर में वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? हाँ, हमारे घर में एक कलश लाके उस पे लव सिंबल बना के उसमें मुझे आए सारे लव लेटर्स डाल के और अपने पड़ोस की सारी लड़कियों को बुला के उन्हें बिंदी और सिंदूर देकर उन्हें किस करती हूँ और भेज देती हूँ। वाओ, बड़े मस्त तरीके से मनाती हो। और तुम कैसे मना? मैं बड़े शास्त्रीय तरीके से मनाता हूँ। गर्ल्स कॉलेज की प्रदक्षिणा करता हूँ, लड़कियों को फूल, ग्रीटिंग कार्ड्स, बलून ये सब देकर मंगल आरती करके घर आ जाता हूँ। तो इस साल हम दोनों वैलेंटाइंस डे एक साथ मना सकते हैं। सिलेबस ज्यादा ही टफ है, एग्जाम भी पास आ रहा है, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं क्या होता है, पहले कॉफी पीते हैं। फ्रेंडशिप के नाम से दो कॉफी देना भाई। सर कॉफी। तुम बहुत लकी इंसान हो कि नहीं? भूल गए मुझे? मुझे नहीं लगता कि सर ने कभी आज तक वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया होगा। सॉरी सर। सर अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। सर अननोन नंबर से कॉल आ। मनोज। ओके सर। पुजारी सर, किडनैपर मैं नहीं हूँ, अब ये बात आप लोगों को पता चल जाएगी। हेलो। स्पीकर ऑन करो। तो क्या भजन करेंगे? हेलो। अरे तुरंत भगा देंगे। हेलो हेलो। पुजारी सर, मुझे मेरा शर्ट दे दीजिए ना। क्यों बिल्कुल चुप हो? 60 सेकंड होने का इंतजार कर रहे हो क्या? मेरी कॉल ट्रेस करवा रहे हो क्या? मेरे समझाने के बाद भी पुलिस के पास गए तुम? वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पुलिस वाले जो हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, जो भी नुकसान होगा तुम्हारा ही होगा, समझे? तुम फालतू में अपने बेटे से मिलने में डिले कर रहे हो क्योंकि तुम पुलिस के चक्कर में आ गए हो, तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हमें कहाँ मिलना है ये मैं सोच कर बताता हूँ। मेरे फोन का इंतजार करना, जस्ट वेट फॉर माय। हेलो, मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। पैसा तो चाहिए लेकिन मैं ज्यादा लालची नहीं हूँ कैनेडी। जो तुमने 25 लाख के नोट रखे थे वो सब फेक नोट थे, इसलिए अब तुम 50 लाख रुपए दोगे। इस बार अगर तुमने फेक नोट रखे तो जॉन कौन, समझे? और एक और बात याद रखना, मेरी टीम की ट्रेनिंग ऐसे हुई है, ये जो तुम्हारे पास लड़का खड़ा है वो ऐसे ट्रेन किया हुआ है, तुम कुछ भी सर मैं कसम खा के कहता हूँ इस आदमी को नहीं जानता सर।
सर ये क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता सर। सर गरम रहिए मत सर। सर इन्हें समझे। ओ तूने किडनैप किया कि नहीं? अरे जवाब दे। छोड़ दीजिए सर। जवाब दे। कहाँ किडनैप किया तुझे? बता कहाँ छुपा रखा है उसे? सर इस केस में किडनैपर कौन है? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। ये केस आसानी से खत्म होने वाला नहीं। मुझे किडनैपर चाहिए, नहीं तो जिसे पकड़ा है वही किडनैपर है। सर लिप रीडर आया है सर। चलो आइए सर। सर हाँ जूम करिए थोड़ा और। जूम 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 मिला। सर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए सर। ए, अगर वॉल्यूम होता तो मैं तुम्हें यहां क्यों बुलाता? सर बेवकूफ की औलाद कह रहे हैं, सही है ना? जो यहां बोल रहे हो ना वो वहां बोलकर दिखाओ। ओके सर बताता हूं सर। किसका है? किसका है सर? किसका है सर? किसका है सर? चलो आगे बढ़ो। किसका है ये बैग? बहुत अच्छा लग रहा है। किसका है ये बैग? बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा बोल रहा है सर? बहुत अच्छा हरीश, लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है। हाँ सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट ये माँ की आंख पैसा यूजिंग बैड वर्ड वर्ड सर। सर ही इज यूजिंग बैड वर्ड्स, यू पुट हिम इन जेल सर। कल्पिट फेलो। हरीश सर ये फर्स्ट टाइम पैसा मांग रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। सर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करें तभी मुंह खुलेगा। नहीं हरीश उसे जाओ लेकर के आओ। यस सर। क्या बे तू हम पुलिस वालों को क्या समझता है? हाँ कोई भी कॉल करके ये मेरा आदमी है कहेगा तो आप भरोसा कर लेंगे सर? आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए ना सर। तुम मुझे फिर से कहानी बना रहे हो सर। साहब इसे बाहर बुला रहे हैं, चलिए सर। बैठ जाए इधर बैठ। तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ दूं? दोनों दोनों है? दोनों पिला दो सर। ठीक है इसे चाय दो।